अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? खैरियत से? मेरा नाम आसिफ है, आप लोग देख रहे हैं बस्टो टीवी। फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको C3 का मोबाइल नंबर, अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं, पुराना नंबर आपके पास नहीं है, गुम हो गया है या कुछ और मसला हो गया जिसकी वजह से आप लोग मोबाइल नंबर अगर चेंज करना चाहते हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करते हैं ताकि दुबई UAE के बारे में कोई भी ताज़ा तरीन अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन हो, वो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। अगर आप लोग इतिसलात की सिम यूज़ करते हैं, अगर आपको पैकेज लगे हुए डीएक्टिवेट करने के या बंद करवाने का तरीके का पता नहीं है, फर्स्ट कमेंट के अंदर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग इतिसलात की ऑफ़र बंद करने का तरीके का सीख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने C3 ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको राइट साइड पर एक आदमी का निशान नज़र आ रहा होगा, ये इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने नीचे की तरफ आना और यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये मैं टच करूँ, यहाँ पर आपको महसूस हो रहा है कि अपडेट मोबाइल नंबर, इसके ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कौन सा कार्ड है, ब्लैक कार्ड है या ये आपके पास ब्लू कार्ड है, ठीक है? तो मेरे पास ब्लैक कार्ड का मोबाइल नंबर, दोनों का तरीक़ाकार एक ही है, चाहे आप नीचे वाले का चेंज कर रहे हैं या ऊपर वाले का, एक ही तरीक़ाकार है। तो मेरे पास ब्लैक कार्ड है तो मैं ब्लैक के ऊपर क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपने कार्ड के सामने साइड पे ये जो नंबर लिखे होते हैं ना, 16 नंबर, आप लोगों ने यहाँ पे लिख के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता हूँ, फिर नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद 3 डिजिट का CVV कोड होता है जो कार्ड के बैक साइड पर, ये ऊपर भी आपको बता रहे हैं, 3 हिस्सों का कोड ऐसे लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, जैसे ये सामने मैं फिंगर प्रिंट करके आपको बता रहा हूँ। अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर वो 3 डिजिट का कोड लिख लेता हूँ। कोड लिख के मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने इंटर यूर ATM पिन, आपके कार्ड का जो पिन है वो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ लिखना है। वो लिख के यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप लोगों ने अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया हुआ था ऐप लॉगिन करने के लिए, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, पासवर्ड लिखना है। अगर आपको पासवर्ड रिकवर करने का तरीकेकार पता नहीं है, इस वीडियो के एंड में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग अपना पासवर्ड भूल जाते हो, पासवर्ड कैसे रिकवर करना है वो तरीक़ाकार मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड लिख लेता हूँ। पासवर्ड लिख के मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, नया मोबाइल नंबर लिखना है जो आप चेंज करना चाहते हैं, जो पुराने को नहीं, नया वाला आप जो मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर आप लोगों ने लिख के नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि ये नंबर लिख के आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इस मोबाइल के ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर, कंग्रेचुलेशन, गो टू द लॉगिन, मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया है। कुछ देर आप लोगों ने वेट करना है, उसके बाद आप लोगों ने जो नया मोबाइल नंबर डाला हुआ है वो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जाके लॉगिन के ऊपर क्लिक करके, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, ये ओपन हो रहा है ऐप, और यहाँ पे आप लोगों ने अपना पासवर्ड लिख के लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन ऑन कर लेना है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।